देवताओं की भूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड भारत को सबसे ज्यादा सैनिक देने वाले राज्यों में से एक है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत से लेकर देश के पहले CDS रहे जनरल विपिन रावत तक इस पहाड़ी राज्य ने मां भारती को कई सपूत दिए हैं। सदियों पहले भी इस धरती पर एक ऐसे सपूत ने जन्म लिया था जिसका नाम आज भी राज्य और देश को गर्व से भर देता है। गढ़वाल राइफल्स ने तब इसी सैनिक के बलबूते पर न सिर्फ जर्मनी की सेना को शिकस्त दी बल्कि उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से भी सम्मानित किया था। आखिर कौन था ये शख्स जिसने हिटलर को दी थी बात? क्या था इनका नाम? कैसे इन्होंने जर्मनी सेना को धूल चटाई थी? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए आज लगभग 104 साल हो गए। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध मित्र देशों यानी कि एलाइड कंट्रीज फ्रांस रूस और ब्रिटेन और केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देश जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि देशों के बीच लड़ा गया था। हालांकि साल 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। इस युद्ध में दुनिया भर की फौजें शामिल थीं, लेकिन इनमें भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता ने पूरी दुनिया में एक अलग ही छाप छोड़ी थी। यही वजह थी कि जब फ्रांस में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों के बीच दीवार बनी जर्मन सेना को कोई हिला नहीं पा रहा था, तब गढ़वाल के नायक दरवान सिंह नेगी के नेतृत्व वाली ब्रिटिश भारतीय सेना ने रातों रात इस दीवार को ढा दिया। इस जीत के लिए ब्रिटेन के किंग जॉर्ज ने खुद रणभूमि में जाकर उन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया था। जब दरवान सिंह नेगी को यह सम्मान दिया गया था तब ब्रिटेन सम्राट ने सम्मान देते हुए इनसे पूछा कि उनकी इच्छा क्या है। तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरे गांव में एक स्कूल हो। वो नहीं चाहता था कि जिस वजह से वो शिक्षा से दूर रहा आने वाली पीढ़ियां भी उस दौर से गुजरे। आपको इनके साहस से भरे कारनामों के बारे में बताने से पहले चलिए दरवान सिंह नेगी का सेना में आने से पहले उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। दरवान सिंह नेगी का जन्म 4 मार्च 1883 को भारत के कर्णप्रयाग गांव में हुआ था। सूबेदार दरवान सिंह नेगी जहां पैदा हुए थे वो आज चमोली जिला है। दरवान सिंह नेगी के 3 भाई और 2 बहनें और वो दूसरे नंबर पर थे। 19वीं सदी के आखिर में ये एक जग जाहिर है कि वो बहुत पिछड़ी हुई थी। इलाके में स्कूल था ही नहीं और इसीलिए दरवान सिंह नेगी भी पढ़ नहीं पाए। गांव और आसपास के लोग सेना में भर्ती होने वालों को किसी आइकन की तरह देखते थे। उनके बारे में दूर दूर तक चर्चे होते थे। कोई उनके कद और सुंदरता की तारीफ करता तो कोई कारनामों की। बचपन से ही दरवान सिंह नेगी ने लोगों से सेना की वीरता की कहानियां सुनी थी। मन ही मन वो सेना में जाना चाहते थे। दरवान सिंह भी इसे देखकर और सुनकर ऐसे इम्प्रेस हुए कि 19 साल की उम्र में 4 मार्च 1902 को 39 गढ़वाल राइफल्स में राइफलमैन पद पर भर्ती हो गए। इस रेजिमेंट को 3री कुमायूं यानी गोरखा राइफल्स की 2री बटालियन के तौर पर 1887 में बनाया गया था। अगस्त 1914 में भारत से 1 39 गढ़वाल और 2 49 गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियन को प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने भेजा गया। अक्टूबर 1914 में दोनों बटालियन फ्रांस पहुंची। वहां भयानक ठंड में दोनों बटालियन को जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस के हिस्से को खाली कराने का लक्ष्य दिया गया। इस इलाके में जर्मन सेनाओं के कब्जे के चलते ग्रेट ब्रिटेन के नेतृत्व वाली 2 सैन्य टुकड़ियां आपस में नहीं मिल पा रही थी। 20 अगस्त 1914 को ये बटालियन 7th डिवीजन का हिस्सा बनकर लेंसडाउन से कराची के लिए निकली। कराची से इसे यूरोपियन फ्रंट में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंचना था। बिना किसी मुश्किल के वे मिड अक्टूबर में मार्सेई पहुंच गए। हथियारों से लैस होने के बाद वो ट्रेन से ऑर्लीस को रवाना हुए और लाइलर्स में ट्रेन से उतरकर रोई दे आईपी नेट तक मार्च किया। वहां पर खाइयों में कब्जे की पूरी तैयारियां थी। यहाँ बटालियन का स्वागत तेज बारिश और दुश्मन की 8 इंच की ओविट्जर तोप की गोलों ने किया। वहां पर बटालियन ने लाबासी की जंग में भी हिस्सा लिया जो 2 नवंबर 1914 तक हुई। यहाँ बटालियन का सामना जर्मन सैनिकों से हुआ। कैप्टन एफ लैम और सैनिक अजीत सिंह रावत के नेतृत्व में बटालियन के 16 सैनिक इस मोर्चे पर लड़े थे। यहाँ कई जर्मन सैनिक भाग खड़े हुए जबकि 6 को बंदी बना लिया गया। तो दोस्तों अब आती है 23 नवंबर की तारीख। फेस्टुवर्ट लाइन पर कब्जे की लगातार कोशिशें नाकाम हो रही थी।
जर्मन सेना ने ब्रिटिश सेना के मोर्चे का एक हिस्सा कब्जा लिया था और उस मोर्चे के दोनों किनारे पर सैनिक तैनात कर दिए थे। दोली सिस्टर्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गॉर्डन लिखते हैं, गढ़वाली कमांडिंग ऑफिसर की रणनीति ने इतिहास रच दिया था। वो मोर्चे के किनारे से आगे बढ़ते हुए पूरे रास्ते लगातार गोलीबारी करते रहे और उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया। ये हमला देरी से शुरू हुआ, इसे 24 नवंबर को सुबह 3 बजे शुरू किया गया। उन्होंने एक किनारे से आगे बढ़ना शुरू किया। वे सुरंग के टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते से हर एक मोड़ को कब्जाते, दुश्मनों पर गोलियां और हथगोलों की बरसात करते हुए तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे अपने फौज से न मिल पाए। बटालियन को एक गढ़वाली ऑफिसर और 19 दूसरे रैंकों के सैनिकों को खोलना पड़ा। 70 सैनिक घायल हुए। बटालियन को फेस्टुबर्ट युद्ध सम्मान दिया गया। तो दोस्तों, कार्रवाई 23 से 24 नवंबर की रात फेस्टुबर्ट के नजदीक शुरू हुई थी, जिसमें बटालियन दुश्मनों को सुरंग से हटाने और उसे वापस कब्जे में करने की कोशिश में लगी थी। दरबान सिंह नेगी सुरंग पर कब्जा करने के दौरान सबसे आगे रहे। युद्ध से पहले उन्हें प्रमोशन देकर नायक बना दिया गया था और युद्ध के बाद उन्हें जो सम्मान मिला उसने उन्हें अमर कर दिया। सुरंग पर कब्जे के दौरान दरबान सिंह सबसे आगे रहे। उन्होंने डटकर गोलों का भी सामना किया और गोलियों का भी। 2 बार सिर में और 1 बार बांह में घाव हो जाने के बाद भी उन्होंने बिना ये बताए कि वे घायल हैं लड़ना जारी रखा। जब लड़ाई खत्म हो गई और सैनिक इकट्ठा हुए, तब कमांडिंग ऑफिसर ने उनके पांव और सिर से खून रिश्ते देखा। अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी के लिए दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। वे दूसरे भारतीय सिपाही बने जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। लंदन गजट में 7 दिसंबर 1914 को उन्हें दिए गए सम्मान के बारे में लिखा गया। 1856 में रानी विक्टोरिया ने सम्मान की शुरुआत की थी। इसे कॉमनवेल्थ आर्म सर्विसेज यानी ऐसे देश जहां ब्रिटेन का शासन रहा है वहां के सैनिकों की बहादुरी के लिए दिया जाता था। उनसे पहले खुदादाद खान को यह सम्मान मिला था। खुदादाद ड्यूक ऑफ कनॉट ऑफ बलूचिस के सिपाही थे। ये रेजिमेंट बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बनी। खुदादाद खान को 31 अक्टूबर 1914 को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ब्रिटेन के महाराज ने दिसंबर 1914 को फ्रांस में भारतीय सेना की कोर का दौरा किया था। दौरे के आखिरी दिन 5 दिसंबर 1914 को जनरल हेडक्वार्टर में राजा ने नायक दरबान सिंह नेगी प्रथम बटालियन 29वीं गढ़वाल राइफल्स को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था। एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण था। ऐसा पहली बार हो रहा था जब किसी सैनिक को वीरता पुरस्कार खुद सम्राट ने दिया। सम्मान समारोह के दौरान वो पल भी आया जब सम्राट ने नायक दरबान सिंह नेगी से उनकी किसी इच्छा के बारे में पूछा। तब दरबान सिंह नेगी ने पूरी विनम्रता और आदर से कहा कि उनके गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं है, अगर कर्ण प्रयाग में एक स्कूल खुल जाए तो कई लोग पढ़ सकेंगे। इस आग्रह पर कर्ण प्रयाग में वॉर मेमोरियल मिडिल स्कूल के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की गई। ये आज के चमोली जिले का पहला स्कूल था। दरबान सिंह नेगी को वॉयसराय कमीशन्ड ऑफिसर का पद दिया गया, जिसे आज जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के पद से जाना जाता है। 24 जून 1950 को सूबेदार बहादुर दरबान सिंह नेगी ने चमोली जिले के तहसील थराली में अपने पैतृक गांव कफार तीर में अंतिम सांस ली। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि दरबान सिंह नेगी की 70 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। उनके 3 बेटे थे। उनके बड़े बेटे पृथ्वी सिंह नेगी उत्तराखंड के एडीएम पद पर थे, अब उनका देहांत हो चुका है, जबकि दूसरे बेटे दलबीर सिंह नेगी अमेरिका के स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जबकि छोटे बेटे कर्नल बीएस नेगी हैं। कर्नल नेगी को गढ़वाल राइफल्स ने 1964 में कमीशन मिला था, जिसमें दरबान सिंह नेगी थे। वर्तमान में दरबान सिंह नेगी के पोते कर्नल नितिन नेगी को भी 1994 में गढ़वाल रेजिमेंट में कमीशन किया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे जाबांज सैनिक की जिसने कई दुश्मनों को मौत के घाट सुला दिया और भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।